हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम जा रहे हैं आलम बाशा दरगाह को, दड़े सुगर को, मम्मी मैं और इन्होंने। बस में जा रहे हैं हम लोग। चलिए पहुंच भी गए, बहुत ही नियर होता हमारे सिंदनूर से दड़े सुगर, तो गए थे कल हम। ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया मैंने, ये दोनों बातें कर रहे थे इधर उधर की, कुछ कुछ बोल रहे थे वहाँ का कुछ तो हिस्ट्री, तो मैंने सोचा ब्लॉग बना ही लेती हूँ। चलिए फिर आज हम दरगाह आए, बस बाकी वाले सब अपने अपने कामों पे थे। भाभी अपने मायके गए बच्चों को लेके, हम लोग तीनों यहाँ पे आ गए। और देखिए किस तरह से नज़ारा, एकदम ठंडा था क्लाइमेट और हवा भी ज़्यादा आ रही थी। हम नमाज़ पढ़ने के लिए अभी नदी में बैठ के वजू कर रहे हैं, तो मैंने बोला था थोड़ा सा कैप्चर कर लो, तो मेरा हेल्प करने के लिए थैंक यू। और चलिए इनका भी वजू हो गया, अभी हम जा रहे हैं चप्पल रिमूव करके वहाँ पे रख के पैर पढ़ के। आप भी इसी तरह करते होंगे ना, आपको मैं बार बार मेरे हर ब्लॉग में ये दरगाह आती हूँ तो शेयर करती हूँ, तो ये भी शेयर कर लिया मैंने। और चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। नमाज़ पढ़ लिया हमने, दरगाह के फ्रंट साइड आ गए हम लोग और चिराग लगा रहे हैं मम्मी, और ये भी चिराग लगाए, मैं भी थोड़ा सा हेल्प की, अच्छा लगा। हमने तो पैर भी पढ़ लिया दरगाह में, फातिहा दिला दिया और इस तरह से चिराग लगाने आ गए हम लोग। देखिए मम्मी का तो हमेशा यही रहता है काजल लगाने का। अब दरगाह देखो किस तरह से एकदम बहुत ही अच्छे से सजाया था उन्होंने, इस तरह से रखा था, बहुत अच्छा लगा। फोन में लगे है, देखिए कोई मलिदा दिया था वहाँ पे, हम भी थोड़ा थोड़ा खा लिए। और यहाँ नीचे वाली जो मज़ार है हमेशा वहीं पे भी लगाते हैं मम्मी, तो अगरबत्ती वहाँ पे जाके भी लगा दिया। और ये संदल कट्टा और ये कुछ मसाले पीसने का बड़े बड़े है यहाँ पे, क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। और इस तरह से हमने संदल कट्टे को आ गए और यहाँ पे पैर पड़ लिए। मैंने सोचा था गेट वैसा खोलना है ऊपर से, ये तो साइड से आ गया। चलिए देखिए यहाँ पे कुछ अच्छे से रोज़स के इससे सजा के रखा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। मम्मी भी आ गए, यहाँ पे भी अगरबत्ती लगा दीजिए। देखो यहाँ का आसपास का नज़ारा कितना अच्छा है, नदी है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी जाइए फैमिली के साथ, फन कीजिए, एंजॉय कीजिए, दरगाह में एकदम शांत सा रहता है। आप भी थोड़ी देर सुकून से बैठ के आ जाइएगा। चलिए हम घर से कुछ लाए थे तो वही खा लिए, क्योंकि वहाँ पे नहीं मिलता, फिर से बस स्टॉप की ओर जाना पड़ता है, तो हमने घर से ला लिया था। कोई देखिए कवाली गा रहे, कवाली मतलब थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं आता, और मुर्शद को तो इतना गा रहे थे, मैंने सोचा थोड़ा सा उनको भी हमारे ब्लॉग में ले लूँ। चलिए मम्मी भी खा रहे हैं और नीचे की तरफ जा रहे हैं हम लोग फिर से अपने गाँव की तरफ जाने के लिए। मैंने सोचा फिर से नदी के पास जाके फिर से थोड़ा थोड़ा सा, पानी कम है फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था दूर से, अच्छा है। देखिए इनका तो मैंने सोचा इतना अच्छा फूल में है ये लोग, ये है किश्ती, दाल रोटी की किश्ती बोले मम्मी, मैंने तो कैप्चर कर लिया। चलिए अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे गंगा माँ के पैर के निशाने हैं जो पत्थर में इस तरह से है, तो मैंने सोचा वो भी अपने ब्लॉग में आपको दिखा दूँ। बहुत ही बढ़िया हिस्ट्री है इनकी, तो आप भी कोई जाने माने इंसान हो या गूगल में सर्च कर सकते हो और आप देख भी सकते हो। हमारे घर के पीरा है ये, तो हमें जब जब जाते आते हैं, तो कभी इधर पीछे के साइड नहीं गया था तो मैंने कैप्चर कर लिया इस बार जाके। और फिश भी तला था, लेने नहीं दिए, बस आ गई तो चढ़ गए, तो फिर से हम बैक टू सिंदनूर। चलिए और हमारा फेवरेट फ्रूट जामुन कहते हैं ना, काले जामुन, ये है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।